योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों डेलीगेशंस के सम्मानित सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। फ्रेंड्स, ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। आज हमने
कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। फ्रेंड्स, बंगबंधु ने जिस स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश का विजन देखा था उसे साकार करने में भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आज हमारी बातचीत इस मूल प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक उत्तम अवसर रही। एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके डेलीगेशन का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में उनके सुखद प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।